हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको डिवीजन चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 6H जो मैं आपको होमवर्क में दिया था उसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। आप जहां उसको बनाए होंगे तो अपने आंसर को चेक कर लें। ये है एक्सरसाइज 6H, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चंस दिया गया है और उसका चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कोई एक करेक्ट है उसको टिक लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ए नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड दी। तो जिस दिन डिवीजन शुरू हुआ उसी दिन मैंने आपको बताया कि डिवीजन में 4 टर्म्स होते हैं। ए नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए। ए पर आप टिक लगाएंगे, डिवाइजर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर इट गिव्स द क्वोशेंट एज। जब हम 0 को किसी भी नंबर से एनी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या होगा? 0। जब आप 0 को किसी भी नंबर से, 0 को 5 से डिवाइड कीजिएगा क्वोशेंट 0 आएगा, 0 को 10 से डिवाइड कीजिएगा क्वोशेंट 0 आएगा। यानी कि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए उसका क्वोशेंट 0 आएगा। तो 2 का बी पर टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज करेक्ट। आपको डिवीजन का आंसर चेक करने के लिए, जब क्वेश्चन में रहता था कि चेक द आंसर ऑफ एनी डिवीजन, तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, तो वही फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। इसमें से कौन सही है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पहला वाला ही सही है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यही फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, जब आप डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है उसमें रिमाइंडर ऐड करते हैं तो डिविडेंड मिलना चाहिए। अगर डिविडेंड मिल गया तो आपका डिवाइड सही है, और डिविडेंड नहीं मिला तो आपका डिवाइड गलत है। तो ये वाला फॉर्मूला सही है। तो 3 का ए पर टिक करेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, 456 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर क्या होगा? तो ये तो कोई लड़का तेज होगा तो मुझवानी भी डिवाइड कर सकता है 6 से। 6 7 जा 42, इसमें से 45 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा, 42 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, 3 पर 6 आएगा, 6 6 जा 30 76 आएगा। और नहीं तो आप यहां करके देख सकते हैं, 456 को आप 6 से डिवाइड कीजिए, 6 7 जा 42, 5 में से 2 या 3 ये कट जाएगा, ऊपर से 6 आएगा, 6 6 जा 36, तो आपका आंसर यानी डिवाइजर 76 आया। तो 4 का आंसर होगा बी पर टिक लगाएंगे, 76 4 का बी। अब आइए 5, 2 डिवाइड 0, क्या होगा इसमें से? 0 होगा कि 2 होगा कि 20 होगा या नन ऑफ दीज होगा? तो जैसे ये फॉर्मूला है कि व्हेन वी डिवाइड 0 बाई एनी नंबर, जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 होता है, उसी तरह एक फॉर्मूला है, उसी तरह एक फैक्ट है कि जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो फैक्ट नहीं है, वहां पर हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं होता है, 0 से डिवाइड नहीं होता है किसी नंबर में। किसी भी नंबर के डिवाइड में 0 हो तो 0 से किसी नंबर में डिवाइड नहीं होता है, तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड उसके आंसर में। तो यहां पर ये तीनों आंसर गलत है, ये होगा नन ऑफ दीज। ऐसे आपको कहीं या ऐसा दिया हुआ हो, आपको आंसर लिखना हो
तो आप इसके आंसर में लिखिएगा नॉट डिफाइंड, तो 5 का आंसर होगा डी, 5 का आंसर डी होगा, डी पर आप टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर आर ऑफ द डिवीजन 547 डिवाइडेड बाय 4, 547 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो हम करके देख लेंगे। आपका डिविडेंड है 547 और उसमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 1 बार 4 आएगा, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 14 आएगा, अब 4 3 जा 12, 4 में से 2 गया 2, ये कट जाएगा, ऊपर से 7 आएगा, 4 6 जा 24, 7 में से 4 गया 3, ये कट जाएगा, तो ये आपका डिवाइड पूरा हो गया। अब क्या देखते हैं, आपका क्वोशेंट है 136 और आपका रिमाइंडर है 3, आपसे पूछ रहा है क्वोशेंट और रिमाइंडर, तो देखिए क्वोशेंट 136 रिमाइंडर ये है सी, क्वोशेंट 136 एंड रिमाइंडर 3, तो आपका 6 का आंसर होगा सी, 6 का आंसर सी होगा, क्वेश्चन 136 रिमाइंडर 3। और लास्ट वन है 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है, 7th क्वेश्चन है 21 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 21 प्लस 5 डिवाइड, फिर ब्रैकेट में है 4 माइनस 2, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 20 पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 21 प्लस 5 कितना होगा, 26 डिवाइड 4 माइनस 2 क्या होगा 2, अब डिवाइड कर दीजिए 26 में, 2 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 13, 13 टू जा 26, देखिए आपके आंसर में 13 यानी 7 का ए आंसर होगा 13, तो 7 का ए, तो इस तरह सारे आंसर मैंने बतला दिए, आंसर आपके सामने हैं, आप अपने जो बनाए होंगे वहां चेक कर लीजिए, आप आंसर चेक कर लीजिए, और यहाँ पर आपका डिवीजन चैप्टर खत्म हो गया, यानी एक तरह से देखा जाए तो यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन आगे पढ़ाई चलता रहेगा, वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अब नेक्स्ट उसके बाद चैप्टर आ रहा है मल्टीपल एंड फैक्टर, तो उसको आप पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीपल्स और फैक्टर के बारे में बताऊंगा आपको, आप इसको स्टडी करके आइएगा, हम लोग बात करेंगे, थैंक यू, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, थैंक यू मैम।